हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू जहांगीर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंग्लिश ग्रामर में, चैप्टर 3 नाउन यानी कि संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। यहाँ पे जो संज्ञा है यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं, जानवरों आदि के जो नाम है इनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे राम एक लड़का है यानी कि इसकी संज्ञा हुई राम, यानी कि राम एक गुड बॉय है, तो यहाँ पे नाउन होगा राम। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानेंगे। द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, नेहा इज़ ए वाइज गर्ल, तो यहाँ पे नेहा कौन है, एक लड़की है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर यानी इसमें विशेष क्या है, एक लड़की का नाम है नेहा, यानी ये हो गया इसका प्रॉपर नाउन। गोवा इज़ ए गुड प्लेस, गोवा एक अच्छा स्थान है, तो यहाँ पे प्लेस है यानी कि स्थान है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा गोवा। राहुल इज़ ए बैड बॉय, राहुल यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा दिल्ली। कॉमन नाउन, द नेम्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी कि पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के जो यहाँ पे जाति का बोध कराया जाता है। इस संज्ञा में व्यक्तियों, जानवरों, वस्तुओं के जाति का बोध इसमें होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल, बहुत सारे लड़के यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जो बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे, तो ये हो गया कॉमन नाउन। दूसरा देखिए, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, विद्यार्थी है बहुत सारे, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं यानी कि स्टूडेंट्स, ये हो गया कॉमन नाउन। द प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे ये होगा कॉमन नाउन। तो थर्ड हम आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नाउन्स विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि यहाँ पर व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं की क्वालिटी और फीलिंग्स के बारे में, उसकी भावना के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि उसकी भावना को और उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, ट्रुथफुलनेस इज ए क्वालिटी ऑफ मैन, यानी कि जो एक आदमी है उसके अंदर सच्चाई है, एक इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें एक सच्चाई की क्वालिटी है, तो ये हमें जो ट्रुथफुलनेस है ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी यानी कि जो ईमानदारी है इसमें, तो ये एक सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम इज़ द बेटर देन द स्लेवरी, तो यहाँ पे जो फ्रीडम है वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट चलिए कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच टेल्स अस अदर नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। यानी कि यहाँ पे इस नाउन में, इस संज्ञा में व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ए बंच ऑफ बनानाज,
यानी कि जो बनाना है, जो केले हैं उसका बंच यानी कि जो उसका गुच्छा होता है, तो उसको हम, ये होगा कलेक्टिव नाउन में। ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का जो समूह हो गया वो हो गया कलेक्टिव नाउन। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का जो झुंड होता है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ए टीम ऑफ हॉर्स, एक घोड़ों की बहुत सारी टीम होती है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन में व्यक्तियों, स्थानों और जानवरों के समूह के बारे में बताया जाता है। काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल नाउन में क्या होता है, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड बाय अस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि इस संज्ञा में क्या होता है कि इस संज्ञा में जो गिना जाता है, जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं, यानी कि गिनना यानी कि काउंट करना, तो वो होता है काउंटेबल। यानी कि इस संज्ञा में चीज़ों को या वस्तुओं को गिना जाता है तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, रोहन हैज 6 पेंसिल्स, तो यहाँ पे काउंटेबल क्या है कि रोहन के पास में 6 पेंसिलें हैं, तो यहाँ पे काउंटेबल क्या हो गया, 6 है, क्योंकि इसे गिना जा रहा है, इसकी पेंसिलों को गिना जा रहा है, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। आई हैव 7 फार्म हाउस, मेरे पास 7 फार्म हाउसेज हैं, तो यहाँ पे फार्म हाउसेज को गिना जा रहा है, यानी कि 7 फार्म हाउसेज हैं, तो यहाँ पे ये हो गया काउंटेबल नाउन। शी हैज़ 2 आईज, यानी कि उसकी 2 आंखें हैं, तो यहाँ पे आंखों को गिना जा रहा है कि उसकी 2 आंखें हैं। माय फादर हैज़ 9 फैक्ट्रीज, यानी कि मेरे पिताजी के पास में 9 फैक्ट्रियाँ हैं, यानी कि यह हो गया उसकी फैक्ट्रियों को गिना जा रहा है, यानी कि उसकी उनकी पिता के पास में, मेरे पिता के पास में 9 फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। यानी कि वह संज्ञा जिसमें हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाती है, यानी कि गिना जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस, यानी कि वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं, शुगर हैज़ स्वीट एंड टेस्टी, शुगर स्वीट में मीठी होती है, टेस्ट में मीठी होती है, तो क्या हम मीठाई को गिन सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। व्हीट इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर अस, तो यहाँ पे यूजफुल यानी कि उपयोगी है, तो इसको हम उपयोगी को क्या गिन सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। दाल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि दाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण को क्या हम गिन सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है, कोई 1, 2, 3 कोई काउंट नहीं कर सकते, इसको महत्वपूर्ण को कोई काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या हम इस महत्वपूर्ण को गिन सकते हैं कि हम पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं, लेट्स डू पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स ऑफ आल्सो, यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, अब हमें इन सेंटेंस के बारे में बताना है कि ये किस नाउन के है। जैसे हरी कैम इनटू द गार्डन, अब इसमें इसमें कौन सा नाउन है, यानी कि हरी कैम इनटू द गार्डन, ये हो गया प्रॉपर नाउन है। द पुलिस कैट द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो यहाँ पे पुलिस है, कोई आदमी नहीं है, पुलिस कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ड्रिंक द मिल्क एवरी डे, तो क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। द बॉयज आर इन द क्लास, लड़के क्लास में हैं, तो यहाँ पे लड़कों की जाति का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया कॉमन नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम इज़ द बेस्ट देन द स्लेवरी, तो यहाँ पे इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसमें फ्रीडम यानी कि आज़ादी, तो ये हो गया इसकी फ्रीडम यानी कि ये एक क्वालिटी है इसके अंदर कि ये क्वालिटी है। अब क्वालिटी किस नाउन में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये ईमानदारी और ये फ्रीडम, ये है क्वालिटी है ये, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आगे देखिए, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें टीम है, पूरी टीम है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। द टीचर्स आर इन लाइब्रेरी, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में कौन है? बहुत सारी टीचरें हैं, तो जो टीचरों का समूह है इसमें, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। द फादर बॉट ए पेयर ऑफ शूज़, तो पेयर ऑफ शूज़ यानी कि जूतों का जो समूह है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आगे हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। द बॉयज़ आर इन द क्लास, लड़के क्लास में है, तो बॉयज़ ये हो गया कलेक्टिव नाउन। काउ गिव अस मिल्क, आई किल द स्नैक विथ ए स्टिक, आई लिव इन जयपुर, कमल इज ए बैड बॉय। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स थे जो बुक में दिए गए थे। अब आपको ये नाउन तो समझ में आ ही गए होंगे। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।